इंटरनेशनल मॉडल लगाया JBL का, जिसमें आपको क्रॉसओवर और ट्विटर मिल जाते हैं। तो पूरा बजट रहा वो रहा अप्रॉक्सीमेटली 1000 का, जो कि 1 लाख से बिलो है। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। तो कहते हैं सबर का काम होता है, वो किया, यानी जल्दबाजी नहीं करी, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। भैया ने जो हमें दिखाया है, जो हमें लिस्ट में दिखाया है, भैया ने वही लगा दिया है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भाइयों का पर फिर से हमारे चैनल स्काई का। जब भी हम गाड़ी का बेस मॉडल खरीदते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला डाउट ये आता है कि कितना बजट आएगा। आप लोग अक्सर मुझे कॉल करके ये पूछते हैं कि भैया हम पंच का प्योर मॉडल खरीदने जा रहे हैं या टाटा का कोई भी बेस मॉडल खरीदने जा रहे हैं, तो कितना बजट आएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ जो कि पंच का बेस मॉडल है, पंच प्योर। क्या एसेसरीज लगती हैं और टोटल कितना बजट आता है बेस से टॉप मॉडल बनाने के लिए। 25 मस्ट हैव एक्सेसरीज फॉर टाटा पंच प्योर। बहुत ही मज़ेदार वीडियो रहने वाला है, आइए शुरू करते हैं। ओवरऑल बजट जो हमारा इस गाड़ी का रहा है वो बिलो 1 लाख रहा है। 1 लाख के आसपास का एस्टिमेट लगा के आप अपनी गाड़ी को क्रिएटिव से भी ऊपर बना सकते हैं। फ्रंट में हमने 5 खास एसेसरीज लगाई हैं, वन बाय वन मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बोनट स्क्रू DRL, उसको लगाते ही गाड़ी का लुक आपको पता ही है, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल और बहुत ही नेक्स्ट लेवल की लुक आ जाती है। सेकंड जो सबसे काम की चीज़ हमने इसके अंदर लगाई है, इसकी हेडलाइट को अपग्रेड कर दिया है और फॉग लैंप लगा दिया है, क्योंकि फॉग लैंप लग के इसमें नहीं आती, तो फॉग लैंप के साथ में हमने इसमें LED अपग्रेड कर दिया है और ऊपर भी लगा दिया बहुत बढ़िया पावर वाली LED। मैं आपको रोड पे इसकी लाइट की आउटपुट दिखाता हूँ। अब ये देखिए लाइट बंद होगी और ऑन होगी और डिपर देखिए कितना दूर तक जा रहा है। नाइट ड्राइविंग में ये बहुत ज़्यादा असिस्ट करती है। पंच की बैजिंग कर दी है, ये लगाने से भी गाड़ी का लुक फ्रंट से बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको एक और बहुत ख़ास चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये आप देख रहे हैं पियानो ब्लैक किट। देखिए इस कलर को कितना सूट कर रही है। ये देखिए 3 डॉट, आजकल GT स्टाइल आपको पता है सब बहुत पसंद करते हैं, तो GT स्टाइल के अंदर एक पियानो ब्लैक किट जिसके अंदर आपको हेडलाइट, टेल लाइट और साइड के डोर हैंडल और साइड मिरर मिलते हैं। एक और बहुत खास चीज़ स्किड प्लेट फ्रंट एंड बैक की, ये मैग्मा ग्रे कलर की गाड़ी के साथ में स्किड प्लेट का भी बहुत अच्छा लुक आता है। तो फ्रंट का पूरा लुक जो मैंने आपको समझा दिया, ये 5 चीज़ें, बोनट स्कूप, DRL, हेडलाइट का अपग्रेड, फॉग लैंप विद LED, स्किड प्लेट एंड पियानो ब्लैक किट। साइड प्रोफाइल में व्हील कवर अभी इसमें हमने नहीं लगाए हैं बिकॉज इसके अंदर एलॉय व्हील लगाने का प्लान है, बट आप एलॉय व्हील लुक के व्हील कवर लगा सकते हैं। हमने जो साइड प्रोफाइल में लगाया है वो लगाई है पियानो ब्लैक कलर की रूफ रेल। ये गाड़ी की लुक को बिल्कुल टॉप मॉडल वाला लुक बना देती है। क्रिएटिव के अंदर भी आपको सेम रूफ रेल मिलेगी और साथ में हमने इसके अंदर लगा दिया है पियानो ब्लैक फिनिश का ये स्पॉइलर। आप देख सकते हैं गाड़ी के साथ में थोड़ा सा कंट्रास्ट लुक दे रहा है और बिल्कुल 3M की टेप से प्रमोटर लगा के हमने इसको इतना बढ़िया तरीके से फिक्स कर दिया है कि आप इससे लटक भी जाएंगे या आप इसको गाड़ी को पूरा हिला भी लेंगे, ये जो है आपका स्पॉइलर कहीं हिलेगा नहीं। टेल लाइट पे सेम वो पियानो ब्लैक वाला लुक जैसे आपने फ्रंट में हेडलाइट पे देखा। साइड मिरर के अंदर भी सेम पियानो ब्लैक फिनिश और ये साइड मिरर हमने ऑटो फोल्ड लगाए हैं, वो भी मैं भी आपको दिखाता हूँ। डोर हैंडल ये भी पियानो ब्लैक किट का ही हिस्सा है। साइड प्रोफाइल के अंदर ये भी बहुत खास चीज़ है, ये ओरिजिनल टाटा का प्रोडक्ट है, विंडो गार्निश पूरी edge-to-edge इसके अंदर हमने लगाई। आप देखिए इस कॉर्नर से स्टार्ट होके पूरा फ्रंट तक जा रही है। तो गाड़ी के साइड प्रोफाइल के अंदर भी हमने
5 बहुत बढ़िया चीज़ें लगाई हैं, जिसमें रूफ रेल, बैक साइड पे आपका स्पॉयलर, द लोअर विंडो गार्निश और ये छोटे मोटे प्रोडक्ट डोर गार्ड। अभी बैक साइड पे जो मैंने आपको फ्रंट की स्किड प्लेट दिखाई थी, अब वो बैक साइड पे मैं उसका पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ। ये हमारा पूरा ओवरऑल बार का कॉस्मेटिक व्यू, एक ऐसा लुक जिससे, एक ऐसी मॉडिफिकेशन, एक ऐसी चीज़ जिससे हमारी गाड़ी का लुक जो है वो बहुत खूबसूरत हो गया। सबसे खास और सबसे स्पेशल चीज़ हमने इस गाड़ी में लगाई है, ये सेंट्रल लॉकिंग, जिसमें हमने ओरिजिनल टाटा का रिमोट कॉन्फ़िगर कर दिया है और इसमें हमने ओरिजिनल टाटा की पावर विंडो लगाई है और उसके साथ में, जैसे आप हमारी वीडियोस में रेगुलर देख रहे हैं, एक बहुत ही बढ़िया फीचर अनेबल कर दिया है बेस मॉडल में, ऑटोमेटिक रोल अप रिले। ये मैंने बटन दबाया, आप देखिए साइड मिरर फोल्ड हो गए और सारी विंडोज़ ऑटोमेटिक रोल अप होनी स्टार्ट हो गई। आप देखें वो लेफ़्ट साइड का भी आगे का शीशा ऊपर हो गया, अब ये पीछे का शीशा भी अभी देखिए आप ऊपर हो गया और फाइनली ये विंडो भी आपकी ऊपर होगी। सारी की सारी विंडो जो है वो हमने ऑटोमेटिक बना दी है। जेन्युइन फोर्ड और पावर विंडो इसके अंदर हमने लगा दी है, कंपनी से सिर्फ 2 डोर लग के आती है। बैक साइड पे भी आपको दिखा देता हूँ मैं, ओरिजिनल हमने कंपनी के स्विच लगा दिए हैं, पूरी पावर विंडो हमने टाटा की जेन्युइन लगा दी है। ये तो आपको आपके टॉप मॉडल में मिलता है, बट एक फीचर हमने इसके अंदर और अनेबल किया है जो कि आपको टॉप मॉडल में नहीं मिलता, 1 टच कंट्रोल। 2 सेकंड्स के लिए हमने प्रेस किया, आप देखिए ऑटोमेटिक विंडो रोल अप हो गई। फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए 2 सेकंड के लिए हमने इसको होल्ड किया और हमारी पूरी विंडो ऑटोमेटिकली रोल अप हो गई। अब मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखाता हूँ, ये देखिए पूरी विंडो जो है आपकी अप हो गई। तो ऑटोमेटिक रोल अप फंक्शन हमने इस टाटा पंच के अंदर लगा दिया है। ये आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, किसी भी टाटा की गाड़ी में नहीं मिलेगा। दिस इज़ ओनली एक्सक्लूसिवली अवेलेबल एट स्काई कार, ऑटोमेटिक पावर विंडो जो कि हमने लगाई है बहुत मेहनत से। टोटल प्लग एंड प्ले हमने इस गाड़ी में भी इंस्टॉल कर दिया और अब हम रेगुलर इंस्टॉल कर रहे हैं। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी हमने अंदर से कितनी ब्यूटीफुल कर दी है, बिल्कुल जैसे हमारी कंपनी का जेन्युइन थीम है, आइस ग्रे एंड ब्लैक। पूरा इंटीरियर हमने आइस ग्रे एंड ब्लैक के हिसाब से बना दिया। स्टेयरिंग लेदर रैप लगाया है इसके अंदर हमने, स्टेयरिंग ऑडियो कंट्रोल लगाए हैं टाटा जेन्युइन। मैट्रिक्स का 2GB रैम, 32GB की स्टोरेज वाला ऑडियो प्लेयर लगाया है, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ में, और बैक कैमरा लगा दिया है हमने इसके अंदर HD में। ये देखिए मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ, अभी पीछे गाड़ी खड़ी है और आप देख सकते हैं नाइट के अंदर भी इसका कितना अच्छा व्यू आ गया है। और इसके अंदर हमने जो ऑडियो यूज़ किया है उसके अंदर हमने JBL के कोएक्सियल और कॉम्पोनेंट्स लगाए हैं। फ्रंट के ऊपर हमने JBL के कॉम्पोनेंट लगा दिए हैं और बैक साइड पे हमने कोएक्सियल लगा दिए हैं और ट्विटर जो है वो ओरिजिनल जगह पे, यहाँ कंपनी वाली जगह पे इंस्टॉल कर दिया है। इंटरनेशनल मॉडल लगाया है JBL का, जिसमें आपको क्रॉसओवर और ट्विटर मिल जाते हैं और पीछे कोएक्सियल लगा दिया है। अप्रॉक्सीमेटली 60W RMS का ये पूरा सेटअप होता है और बहुत ही बढ़िया इसके अंदर आपको साउंड क्वालिटी मिलेगी। तो जैसे अंदर गाड़ी के अंदर हमने लगभग 15 ऐसी आइटमें लगाई हैं जिसमें आपकी पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, स्टेयरिंग रैप, स्टेरियो ऑडियो कंट्रोल, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर कंपोनेंट, ये जर्मन USB पोर्ट और सीट कवर्स, ये 7D फ्लोरिंग, पूरी 7D फ्लोरिंग कर दिया है। इसको गीला कपड़ा मार के साफ़ कर सकते हो आप। अभी देखिए जैसे गाड़ी डेली रूटीन में बहुत गंदी होती है, सिर्फ एक कपड़े से साफ़ करो और ये बिल्कुल ऐसे दोबारा चमक जाएगी। ये मैंने जान के आपके लिए इस तरीके से इसको रखा है ताकि आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली चेक कर सको। ये देखिए बैक साइड से भी दिखाता हूँ, देखिए कितनी इवनली हमने फ्लोरिंग कर दी है और पूरी सीटों के अंदर तक इंटैक्ट कर दिया है। तो 7D फ्लोरिंग लगाई है। ये हमारी 15 ऐसी एक्सेसरीज हैं, ये हमने पंच की बैजिंग वाली डुअल कलर वाली इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट लगा ली है। तो अब आपको टोटल मैंने कंप्लीट 25 ऐसी एक्सेसरीज दिखा दी
जो कि आपकी गाड़ी को बेस मॉडल से टॉप मॉडल बना देती है। आपकी गाड़ी का जो लुक है वो क्रिएटिव से भी बहुत ऊपर चला जाएगा, और क्रिएटिव भी जो है इस गाड़ी के सामने, इस गाड़ी के मॉडिफिकेशन के सामने आपको एक लेवल नीचे ही लगेगी। तो इस गाड़ी का मॉडिफिकेशन उस लेवल का हुआ है। बहुत दिल से हमने आज ये पंच प्योर को बेस मॉडल से टॉप मॉडल बनाया। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी जो हर वीडियो में बेस से टॉप वाली आपको मॉडिफिकेशन दिखाई जाती है। इस गाड़ी को हमने उस लेवल पे हम लेके चले गए हैं कि क्रिएटिव से भी हमारे को एक लेवल अप लग रही है ये गाड़ी। आइए जानते हैं भैया का एक्सपीरियंस। इन्होंने पूरी गाड़ी का मॉडिफिकेशन कराया जो कि वर्थ रुपीस ऑलमोस्ट 1 लाख रहा। इन्होंने प्राइस जो पे किया है, पूछते हैं इनको उनका कैसा लगा एक्सपीरियंस और वर्थ कैसी रही। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है सर। थैंक यू सर। सर आपका भी बहुत बहुत वेलकम है सर। सर हमारे व्यूअर्स को बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्काई कार के साथ। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मैंने क्रोलबाग जाके भी देखा काम, लेकिन मुझे इतना मज़ा नहीं आया इतना यहाँ मज़ा आया। पूरा फ्रेंडली काम किया है, इतना अच्छा लगा मुझे। इस वायरिंग भी बहुत बढ़िया करी, सब कुछ जो जो हमें चाहिए था सब कुछ दिया भैया ने, और रिजनेबल दिया भैया ने। जो वर्कर हैं भाई साहब के, वो इतने मेहनती हैं और इतने टेक्निकल तरीके से काम कर रहे हैं, हमें बहुत पसंद था। हमें बहुत मतलब पूरा सबर से काम जो है ना, सबर का काम होता है वो किया है, यानी जल्दबाजी नहीं करी हमने। और भी कई जगह देखा है कि जल्दबाजी करते हैं, लेकिन यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं। जैसा जो चीज़ बोली और भैया ने वही लगाई है, और जेन्युइन चीज़ लगाई है। और वायरिंग में कोई चीज़ कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने कोई हमारी कोई वायरिंग कोई कटिंग नहीं करी इन्होंने, कपड़े टू कपड़े काम किया इन्होंने, बहुत बढ़िया काम किया। तो यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगा कि ये हमारे हैप्पी कस्टमर्स हैं, जिन्होंने पूरी गाड़ी का अपनी सारा दिन हमारे साथ में स्पेंड किया और काम किया, और काम भी हमने इनका बिल्कुल बहुत ही बढ़िया पूरा प्लग एंड प्ले किया। और हमारी पूरी आपको गारंटी रहेगी, चाहे वो इनकी गाड़ी है चाहे आने वाले आपकी गाड़ी हो, गारंटी रहेगी कि हम प्लग एंड प्ले कहेंगे, और आप कहेंगे तो हम इस चीज़ को आपको ऑन पेपर भी दे देंगे, ताकि आपको और मन को तसल्ली रहे और आप जब भी हमारे पास आएँ आपको सेटिस्फेक्शन है। आशा करता हूँ आपको पूरा ओवरऑल ये पसंद आया होगा, और बहुत जल्दी आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ में मिलते हैं, नई चीज़ों के साथ में मिलते हैं। और इस गाड़ी का मैं आपको बताना चाहूँगा जो पूरा बजट रहा वो रहा अप्रॉक्सीमेटली 95,000 का, जो कि 1 लाख से बिलो है। तो आप अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवा सकते हैं अंडर द बजट ऑफ 1 लाख, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ऑटोमेटिक पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग टाटा वाली, एंड विद एक्सक्लूसिव फीचर ऑटोमेटिक रोल अप, और बाकी सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, चाहे वो ब्यूटीफुल और गाड़ी को कॉस्मेटिक वाली आइटम्स हो और जो गाड़ी की ज़रूरी हो। आशा करता हूँ ये मॉडिफिकेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ में, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में।